हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे रविवार यानी 3 दिसंबर को सबके सामने आ जाए, इसी के साथ यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या इस बार भी बीजेपी सत्ता पर कायम रहेगी या फिर जनता कांग्रेस को मौका देगी? इन सारे सवालों का जवाब तो मत पेटियों और ईवीएम में बंद है, जिनका खुलासा रविवार की दोपहर तक हो जाएगा। हालांकि इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता सिंधिया ने कहा है कि केवल 24 घंटे इंतजार करिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि कल की काउंटिंग में बीजेपी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 24 घंटे इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं जेपी नड्डा की तारीफ करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चुनाव के लिए उन्होंने जवान तरीके से प्रयास किया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना जीत का दावा ठोकना बंद नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में बड़ी जीत का दावा कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह दावा किया है कि 3 दिसंबर को सूर्योदय के साथ भाजपाई सत्ता के कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस को 135 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। इसी के साथ पार्टी जनता को दिए गए सभी वादों को पूरा करेगी। नरोत्तम मिश्रा का भी दावा आया है कि 165 सीट बीजेपी जीतेगी, यानी हर कोई अपने दावेदारी से पीछे नहीं हटने की कोशिश कर रहा है। हर कोई का यही दावा है कि हमारी जीत होगी और हमारी सरकार बनेगी। इसी बीच नरोत्तम मिश्रा ने भी दावा किया है। अगर सभी नेता दावा कर रहे हैं तो इस बीच कैसे कोई नेता चुप रह सकता है? एग्जिट पोल के आंकड़ों के इधर देखें तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि एमपी में बीजेपी को 165 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है, जबकि वही रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी को 88 से लेकर 112 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कल पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत है, किसकी हार है, किसकी बन रही है सरकार। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।